नमस्कार, मैं हूं सुप्रिया और आप देख रहे हैं कब क्या कहा। आपको बता दें कि कब क्या कहा में हम आपको धर्म के क्षेत्र में हो रही वो सभी खबरों से अवगत कराते हैं जो आपके बीच हो रही है। अब जान लेते हैं इस हफ्ते में व्रत और त्योहार कौन कौन से और कब आने वाले हैं। 14 मई दिन मंगलवार, इस दिन गंगा सप्तमी है। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार बैसाख शुक्ल सप्तमी तिथि को ही महागंगा सप्तमी कहा जाता है। इस दिन माँ गंगा की पूजा होती है। स्वर्गलोक से निकलकर भगवान शिव शंकर की जटाओं में इसी दिन गंगा माँ पहुंची थी, इसलिए इस दिन को गंगा सप्तमी के रूप में मनाया जाता है। हिंदू धार्मिक ग्रंथों के अनुसार प्रतिवर्ष बैसाख शुक्ल सप्तमी को मनाया जाने वाला गंगा सप्तमी का पर्व देवी माँ गंगा को समर्पित है। इस दिन गंगा पूजन किया जाता है और इस दिन को गंगा जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। अगला त्योहार है 15 मई को, इस दिन मासिक दुर्गा अष्टमी है। साथ ही इसी दिन बंगलामुखी जयंती भी मनाई जाएगी। बंगलामुखी जयंती हर साल बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाते हैं। इस दिन मां बंगलामुखी की पूजा करने का विधान है। देवी बंगलामुखी 10 महाविद्याओं में से एक है। ये 8वीं महाविद्या है। जो लोग अपने शत्रुओं को एकदम खत्म करना चाहते हैं, उनको हराना चाहते हैं या किसी बड़ी प्रतियोगिता या कार्य में सफल होना चाहते हैं, उनको देवी बंगलामुखी की पूजा आराधना करनी चाहिए। इसका फल बहुत ही उत्तम मिलता है। अब अगला पर्व है 16 मई को, इस दिन गुरुवार है। इस दिन सीता नवमी है। आपको बता दें कि बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को सीता नवमी का पर्व मनाया जाता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इसी दिन माता सीता का प्राकट्य हुआ था। सनातन संस्कृति में माता सीता अपने त्याग एवं समर्पण के लिए पूजी जाती हैं। इस पावन उत्सव पर माता सीता की पूजा की जाती है और व्रत भी रखने का इस दिन विधान बताया गया है। अगला त्योहार है 19 मई, इस दिन रविवार है और इस दिन मोहिनी एकादशी है। बैसाख महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। मान्यता है कि एकादशी तिथि सभी पापों को हर लेने वाली है। जो व्यक्ति मोहिनी एकादशी के दिन व्रत रखता है वह पातक समूह मोह जाल से छुटकारा पा लेता है। मोहिनी एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। अब हम चलते हैं अन्य धर्म से जुड़ी बाकी जानकारी के लिए। आप देखते रहें जीवांजलि। आगे भी हम आपको धर्म से जुड़े समाचार बताते रहेंगे। अगर आपको भी हमें कुछ धर्म से जुड़ी जानकारी देनी है या आपके भी कुछ सवाल हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही साथ नीचे दी गई मेल आईडी पर आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हम आपके हर सवालों का जवाब देंगे। और आप भी हमें कुछ समाचार देना चाहते हैं तो आप इस मेल आईडी पर मेल कर दीजिए। नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें।